सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिप मेडिसिन। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने वाले इंजेक्शन के यूजेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं, इपीडॉक्सिन के बारे में जानने वाले हैं। कैसे उपयोग करना है, क्या यूजेस होंगे, क्या डोज होंगे, किसको कितनी मात्रा में किस कंडीशन में दे सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और इसके क्या साइड इफेक्ट और देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप मेरे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर वीडियो को नोटिफिकेशन जानने को मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट डिटेल ऑफ इपीडॉक्सिन इंजेक्शन, इसमें जो मेन कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है वो वेल्थामेट ब्रोमाइड देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वेल्थामेट ब्रोमाइड देखने को मिलता है। अब ये वेल्थामेट ब्रोमाइड केमिकल क्या होते हैं? तो ये केमिकल जो होते हैं एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होते हैं, जिसका मुख्य काम ये जो दवाई होती है, ये दवाइयाँ स्पास्मोलाइटिक और एंटी स्पामोडिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पास्मोलाइटिक और एंटी स्पामोडिक एजेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये टैबलेट के साथ साथ इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ये जो मेडिसिन होता है वेल्थामेट ब्रोमाइड, ये आपको टैबलेट में भी मिल जाएगा और इंजेक्शन में भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसका उपयोग हॉस्पिटल यूजेस के लिए किया जाता है। ठीक है, जनरली इसका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। और इसका इस इंजेक्शन का यूजेस के बारे में जानते हैं, तो इस इंजेक्शन को दिस इंजेक्शन ओनली यूज फॉर IM और IV। इसे इंट्रामस्क्यूलर के साथ साथ इसे नस में भी दिया जा सकता है, इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या क्या यूजेस है यूजेस के बारे में जानते हैं, तो इसे किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूजेस एंड डोज ऑफ इपीडॉक्सिन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का डोज के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग यूजेस ऑफ इट यूज फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन एंड ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है, इस इंजेक्शन का उपयोग गर्भाशय की ग्रीवा को फैलाने के लिए तथा गर्भाशय की ग्रीवा को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चादानी का जो सर्विक्स होता है उसे ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसे डायलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायलिटेशन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका उपयोग होता है, इट यूज फॉर स्टमक मसल्स रिलैक्सेशन, यानी इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग चिकनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपयोग होता है, इट यूज टू मैनेज पेन रिलेटेड मसल स्पैम। ठीक है, मसल्स स्पैम को यह मैनेज करने का काम करता है, साथ ही मेंस्ट्रुअल पेन पीरियड यानी पेनफुल पीरियड को भी रोकने का काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्या या फिर मासिक धर्म से संबंधित होने वाली दर्दों में का निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपयोग होता है, इट ऑल्सो यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक एंड बाइल स्टोन कॉलिक में इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसका मतलब हुआ कि मूत्र पथ में, ठीक है, और साथ ही पित्त पथरी शूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपयोग होता है, जैसे कि आपको ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो होने वाले दर्द होते हैं, उस दर्द के आराम देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका काम होता है आपको, ठीक है, सर्विक्स को डायलेट करने का काम होता है। क्या होता है? सर्विक्स को डायलेट करने का काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट, इसके क्या क्या डोजेज होते हैं डोजेज के बारे में जानते हैं। सो नेक्स्ट, डोजेज ऑफ इपीडॉक्सिन इंजेक्शन, इसको किसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए। जैसे कि इस इंजेक्शन का जो आता है वो 1 ml जो कि 8 mg में कंटेंस करता है, 1 ml का वायल आता है, जो कि इसमें कि आपको 8 mg देखने को मिलेगा। ठीक है, आप 1 से 2 ampoule स्टेट IV या फिर स्टेट इंट्रामस्क्यूलर दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं असर करने पर आप इसे प्रत्येक इंट्रामस्क्यूलर या फिर इंट्रावीनस दे सकते हैं, और प्रत्येक 4 से 6 घंटे पर इसे रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डोज का दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका साइड इफेक्ट होता है, आपको साइड इफेक्ट ऑफ इपीडॉक्सिन इंजेक्शन कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि आपको नोजिया देखने को मिलेगी, जी का मचलाना जैसी समस्या, साथ ही वॉमिटिंग की समस्या। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, पेट में हल्का फुल्का दर्द, इंक्रीज हार्ट रेट यानी हार्ट रेट की गति का बढ़ जाना। ठीक है, एंजाइटी का कंडीशन बन सकता है, साथ ही स्लीपलेसनेस अनिद्रा का कंडीशन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो साइड इफेक्ट हो, जैसे कि ड्राई इन माउथ, मुंह में सूखापन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।